हाफिज अब्दुल रशीद साहब, हाफिज हिदायतुल्लाह साहब, इन्होंने 14 साल पहले मुझको बुला करके झारखंड में दिल खैराबादी से शाबान दिल खैराबादी जो हुआ हूँ, ये इन्हीं उलमा इकराम की मेहरबानी है। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों को शादो आबाद रखे। एक मतला और दो शेर पढ़ करके मैं महफिल में बैठ जाऊंगा। ये पसंदीदा मतला जो है हजरत डॉक्टर शकील साहब, कभी थे साबिक मुखिया, इस वक्त मौजूदा मुखिया है, मतला हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। इनका मिजाज जो था, मैं पूछा कि क्या कंडीशन चल रही है, क्या अल्हम्दुलिल्लाह दिल भाई हिंदू हो वो चाहे देवबंदी हो चाहे बरेलवी हो, सब मुझको मजबूती के साथ मुझको ओढ़ते रहे हैं। आइए दिल खैराबादी इस कौम की नजर एक मतलब पेश करता है मुलाहिजा फरमाएं कि मुझको मसे लगे। वाह क्या कह दे सुभान अल्लाह। सिर्फ 2 मिनट का सफर, इसको आप अगर नवाज देंगे तो मजा आ जाएगा। मुलाहिजा फरमाएं, काश के मुजीबुर रहमान रहता, अल्लाह ताला उस भाई की अल्लाह ताला बाल बाल मगफरत फरमाए। कि मुझको मसे लग नहीं रो सकते, मुझको मसे लग नहीं रो सकते, अरे मैं तो मजहब बचाने चला हूँ। मुझको मसे लग नहीं रो सकते, मैं तो मजहब बचाने चला हूँ। मुझको मसे लग नहीं रो सकते, सबको सबसे मिलाने चला हूँ। शुक्रिया हाफिज जमाल साहब, अल्लाह ताला जजाए खैर से नवाजे। देवबंदी वहाबी बरेली, सबको सबसे मिलाने चला हूँ, सबको सबसे मिलाने चला हूँ। नेकियां मौलाना उजैर साहब कि नेकियां लिख रहे हैं फरिश्ते, राह में मेरे एक एक कदम पर। नेकियां लिख रहे हैं फरिश्ते, राह में मेरे एक एक कदम पर। नेकियां लिख रहे हैं फरिश्ते, कारखाने से घर की तरफ मैं, कारखाने से घर की तरफ मैं पांव माता दबाने चला हूँ। कारखाने से घर की तरफ मैं पांव माता दबाने चला हूँ, चला हूँ, चला हूँ, चला हूँ।